नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। नए कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर पिछले करीब 3 महीने से प्रदर्शन कर रहे भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने अब आंदोलन में भगवान हनुमान को घसीटने की कोशिश की है। राकेश टिकैत ने कहा है कि भगवान हनुमान और महात्मा गांधी आंदोलनजीवी थे, इसलिए सरकार को अपनी हट छोड़कर किसानों से बातचीत करनी चाहिए। बता दें, राकेश टिकैत ने कहा है कि कुछ लोग हमको आंदोलनजीवी कहते हैं, सबसे बड़े आंदोलनजीवी तो हनुमान जी थे, उन्होंने अपनी पूंछ किसी और के लिए जलवाई थी। महात्मा गांधी भी आंदोलनजीवी थे। उन्होंने आरोप लगाया कि आडवाणी जी का जब राष्ट्रपति बनने का नंबर आया तो उन पर अयोध्या का मुकदमा लगवा दिया गया था। वहीं राकेश टिकैत ने आगे कहा कि आज किसानों को खालिस्तानी दंगई बताया जा रहा है, उनके लिए इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। और वहीं अब किसान आंदोलन में भगवान के नाम पर जो है सियासत होने का सिलसिला शुरू हो चुका है, और इसी को देखते हुए राकेश टिकैत ने प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि सबसे बड़े आंदोलनजीवी तो हनुमान जी थे और अब धर्म के नाम पर राजनीति भी होती जा रही है। और कृषि कानून को रद्द करने की मांग से शुरू हुआ यह आंदोलन अब धर्म पर आ चुका है, और इसी को देखते हुए लगातार प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ लगातार केंद्र पर हमला बोलते हुए राकेश टिकैत आए दिन दिखते रहते हैं। और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसते हुए राकेश टिकैत ने कहा है कि सबसे बड़े आंदोलनजीवी तो हनुमान जी और महात्मा गांधी थे। तो जिस तरीके से खुद प्रधानमंत्री मोदी ने पार्लियामेंट में आंदोलनजीवी परजीवी कहा, उसी को देखते हुए राकेश टिकैत ने तंज कसते हुए कहा है कि सबसे बड़े आंदोलनजीवी तो हनुमान जी ही थे। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ राहुल आनंद हैं, जो कि बीजेपी नेता हैं। राहुल जी, स्वागत है आपका। जी नमस्ते। राहुल जी, अब राकेश टिकैत ने इस आंदोलन में भगवान हनुमान को घसीटने का काम शुरू कर दिया है, क्या कहिएगा? देखिए, ये जो आंदोलन जीवी है ये एक अलग प्रकार की प्रजाति होते हैं, जो अपनी मनसा को पूर्ण करने के लिए सब लोग समाज में हैं, जो किसान वर्ग हैं और भी अन्य वर्ग हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। और जिस प्रकार से राकेश टिकैत जी का बयान आया है हनुमान जी को लेकर और गांधी जी को लेकर, तो ये बड़ा ही तुच्छ बयान है और ये शून्य स्तर की राजनीति का परिचय है। और ये जो जिद को लेकर बैठे हैं, जो भी 11 दौर की वार्ता हुई है सरकार के साथ, उसमें पहले ये स्टार्टिंग में ये लोग कंफ्यूज दिखे थे, बाद में एक एक कर जब MSP की जब बातें चलने लगी तो इनका मुद्दा भटक गया। इन्होंने पराली जलाने की बात की तो पराली पे भी सरकार ने अपने कानून में संशोधन कर लिए। तो जो भी बातें हुई वो स्वस्थ वातावरण में हुई, और जो करने लायक बातें थी उसे सरकार ने मान ली, और जो नहीं करने लायक बातें थी उनको लेकर ये बैठ गए। पहले ये MSP की लिखित गारंटी मांगते थे, उस पे भी सरकार राजी हो गई, जबकि मैं शुरू से आपके चैनल के माध्यम से कहता आ रहा हूँ कि MSP पे अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भारत सरकार को काफी नुकसान है। अभी आपने हल्दी का देखा होगा कि कल का एक न्यूज आया था कि हल्दी MSP से ऊपर बिकी है तो किसानों को फायदा होगा। और ये जो हनुमान जी का जो इस्तेमाल इन्होंने किया है, तो इनको ख्याल होना चाहिए कि ये खुद सनातन धर्म से हैं और ये इस प्रकार के बयानों से बचना चाहिए। हनुमान जी ने धर्म की रक्षा की थी और सत्य पे सत्य को विजय कराने के लिए उन्होंने साथ दिया था, और यहाँ पे सत्य पे असत्य के लिए आंदोलन जी भी बैठे हैं। प्रधानमंत्री जी का जो कहना था वो इस पे कहना था, सत्य पे असत्य की जीत हो इसके लिए वो बैठे हैं और खालिस्तानियों के साथ मिलकर बैठे हैं। इसका परिणाम पूरे देश ने नहीं पूरे विश्व ने देखा है कि किस प्रकार से इसकी पटकथा लिखी गई थी 26 जनवरी के पहले, जो ट्वीट किया गया था उसमें सारी बातों को वर्णित किया गया है। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि ये आंदोलन कर किस बात ले रहे हैं, और रही बात गांधी जी की, तो वो हमारे राष्ट्रपिता हैं, उनके बताए हुए आदर्शों पे आज हम अपने मार्ग का अनुसरण करते हैं। तो इसमें भी अगर कोई राजनीति खोजी जा रही है तो ये बहुत ही इतना ही नहीं। राहुल जी, राकेश टिकैत ने ये भी कहा है कि सरकार हट कर रही है, सरकार जिद्दी है और सरकार को अपना हट छोड़कर किसानों के साथ बातचीत करनी चाहिए।
मैं इस बात पे भी आपको बताता हूँ कि जो सरकार को जो जिद्दी बात ये कह रहे हैं, तो कोई भी कानून जब भी बनती है तो वो 50 साल आने वाले समय को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी जिसमें हमने जीएसटी लाया, किसी ने मांग नहीं की, फिर भी जीएसटी आया। दहेज प्रथा आई, किसी ने मांग नहीं किया, फिर भी आया। कानून है वो आता है। हमने एससी एसटी एक्ट लाया, क्यों लाया? क्योंकि उसकी किसी ने मांग नहीं की थी, लेकिन फिर भी आया समाज में न्याय दिलाने के लिए। तो अगर कोई कानून बनता है तो उसके विरोध होते हैं, लेकिन हमें तय ये करना होता है कि विरोध सकारात्मक दिशा में हो रही है, नकारात्मक दिशा में हो रही है। इनकी जो मांगे थी, जो भी इनकी तार्किक मांगे थी, उनको सरकार ने माना है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट की मध्यस्थता करने पर भी ये बात नहीं मान रहे हैं, जबकि वो सर्वोच्च न्यायालय की बात है। इसमें भी अगर उनको ऐतराज है तो ये खालिस्तानियों के समर्थक के लिए बैठे हैं। उनका एक आया था, मैंने बयान में पढ़ा था कि कूलर का इंतजाम करने, इनको तो एसी तक पहुंचा दिया जाएगा खालिस्तानियों के माध्यम से। वो इस चीज को कैसे भूलते हैं कि 26 जनवरी को जो अप्रकृतिक घटना घटी थी, जिसे पूरा देश नहीं भूल सकता है, उस पे किस प्रकार से किसी धर्म के झंडे को लहराया गया था, जबकि उन सिखों ने देश की आजादी में कितने बलिदान दिए हैं, उनको बदनाम करने का कोशिश किया गया है। और यही नहीं है साक्षी जी, ये भी एक सोच विचारणीय तथ्य है कि राकेश टिकैत जैसे जो नेता हैं, वो कर क्या रहे हैं, मांगे क्या कर रहे हैं, इस पे भी सवाल उठता है। उन्होंने एमएसपी की बात की, एमएसपी के लिए सरकार सही है, राजी हो गई, लेकिन ये कानून रद्द करने की बात कर रहे हैं। जब से वो आंदोलन पर बैठे हैं पिछले तीन महीनों में उसने कितना कमाया है, ये भी एक प्रश्न है। क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी है, मैं आपको बता दूं कि ये 90 दिनों के अंतर में 2250 क्विंटल गन्ना चीनी मिल को गया है, 110 एकड़ जमीन है उनके पास, जेवली एयरपोर्ट के पास उनके पास 7 बीघा जमीन है, जीआर इंफ्रा में उनका इन्वेस्टमेंट है। तो ये बड़े किसान हैं और ये बड़े बिजनेसमैन भी हैं, और मेरी संवेदना उनके साथ है कि जो उनका साथ दे रहे हैं, उन्होंने तो कुछ नहीं कमाया, वो तो खोए हैं, लेकिन जिन्होंने कमाया है और इनका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो किसान राहुल जी वो तो आगे का रास्ता बना रहे हैं ना कि हम तो अब यहीं पे रुकेंगे, अगले साल तक की तैयारी कर रहे हैं राकेश टिकैत, तो अब गर्मी आने वाली है, कूलर का इंतजाम वो कर रहे हैं, जनरेटर का इंतजाम कर रहे हैं वो। मैंने आपसे कहा कि इनको तो इसी तक पहुंचा दी जाएगी। ये लंबी लंबी जो गाड़ियां वहां लगी रहती हैं, कोई किसान 50 करोड़ का डीजल नहीं भराएगा अपने ट्रैक्टर में, जो एक अनुमान आया है आंदोलन को लेकर। और दूसरी बात, इनको कहीं से कोई बाहरी फंडिंग की जा रही है जिसके माध्यम से ये चल रहे हैं, और विपक्ष का भी नकारात्मक रवैया है। आपको मुझे आप 5 मिनट का समय दीजिए, मैं आपसे आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना भी चाहूंगा कि किसान बिल में लिखा क्या है, ये तो उनको भी पता नहीं है। जबकि इनके संगठन के लोग ने कहा था कि अब दानी दानी की खरीदारी होगी, लेकिन ये मुद्दा भटक कैसे गया? अगर आप इस 90 दिनों का अगर विश्लेषण करेंगे, तो आप अगर ऊपर से नीचे तक आएंगी तो कहीं ना कहीं ये भटका हुआ आप पाया जाएगा। और यही नहीं, ये हाईजेक हो चुका है खालिस्तानियों, इनके समर्थन में पाकिस्तान खड़ा है, इनके समर्थन में कुछ जयचंद हमारे देश के खड़े हैं। जो कल जो लड़की की गिरफ्तारी हुई है बेंगलुरु से, वो किस चीज का परिणाम है? तो ये कानून व्यवस्था पे भी संदेह प्रकट कर रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा साक्षी जी कि ये जो पहला कानून है जिसमें किसान उपज एवं वाणिज्य संवर्धन एवं सुविधा अधिनियम जो 2020 है, उसमें एपीएमसी के बारे में उल्लेख किया गया है। उसमें बताया गया है कि आप एक राज्य से दूसरे राज्य में, एक जिले से दूसरे जिले में जाकर अपने वस्तुओं को बेच सकते हैं, लेकिन विरोध इसी चीज का हो रहा है। उसमें एक चीज का और बताया गया है कि अधिकतम 3 दिन के अंदर व्यापारी को उनका भुगतान करना पड़ेगा। तो ये तो किसान के फेवर की बात है ना, ठीक है, इसमें तो बिचौलिया को फंसना चाहिए, तो बिचौलिया ही इनका समर्थक है जो वहां बैठे हैं। और एपीएमसी जो गारंटी देती है वो भी देने को तैयार है। फिर इसकी जो दूसरा कानून है जिसमें मूल आश्वासन एवं कृषि सेवाएं अधिनियम है, इस कानून में उल्लेख किया गया है कि यह कानून कृषि उत्पादों के कारोबारियों निर्यातकों को एक पूर्व निर्धारित कीमत पर अपनी फसल अनुबंध का अधिकार देता है। इसमें वर्णित किया गया है कि आप किसी के साथ अगर अनुबंधन करते हैं तो मैक्सिमम 5 साल के लिए कर सकते हैं।
और अगर विवाद की स्थिति आती है तो आप कोर्ट भी जा सकते हैं और इसकी नौबत नहीं पड़ेगी। ये सरकार ने सोचा है, लेकिन अगर कोई कमी है कानून में तो आप बताएं हमें। आप यहाँ बैठे हैं हनुमान जी को लेकर, गांधी जी को लेकर, सवाल तो यही बिल्कुल सवाल तो यही आ गया ना राहुल जी की, कृषि कानून की मांग को रद्द करते हुए जो पूरी मांग शुरू हुई थी और अभी पूरी धर्म पर आकर रुक चुकी है। देखिए ये जो धर्म की जो राजनीति हो रही है ये बिल्कुल तुच्छ राजनीति है और इसका कहीं कोई इस आंदोलन से, वर्तमान के आंदोलन से कहीं कोई लेख जोख नहीं रखता है। और ये जो हमारे देश के जो हिंदू वर्ग है जो, और उनके सम्मान को चोट पहुंचाने का काम राकेश टिकैत जी ने किया है, क्योंकि हनुमान जी शक्ति का प्रतीक है और हनुमान जी ने अपनी पूछ में आग क्यों लगाई थी रावण के लंका को, जबकि रावण भी ज्ञानी था, रावण को भी पता था, लेकिन वो मुक्ति की प्राप्ति और स्वर्ग जाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस प्रकार का कृत्य किया और सीता जी का अपहरण किया, अपने पास रखा, सारी चीजों को जानते हुए कि कहीं भी अगर कोई पाप का घड़ा भरता है तो कहीं ना कहीं से कोई आता है जो उसको रास्ता दिखाता है। तो राकेश टिकैत, मेरा कहना ये नहीं है कि राकेश टिकैत जी का पाप का घड़ा बढ़ गया है, मेरा कहना ये है कि आंदोलन करते वक्त अपनी मर्यादाओं, अपनी भावनाओं और अपने शब्दों का जरूर ख्याल रखना चाहिए कि इससे किसी लोगों की सम्मान में और भावना को ठेस ना पहुंचे। जी बिल्कुल, लेकिन साथ में राहुल जी जिस तरीके से इन्होंने हनुमान जी को आंदोलन जीवी बताया उसी कड़ी में महात्मा गांधी को भी बताया है, तो क्या संदेश ये समझा जाए? देखिए महात्मा गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं और उनका सम्मान हमारे देश के सारे वर्ग के लोग करते हैं, क्योंकि आज हम जो आजादी के साथ बैठ रहे हैं, जो अभिव्यक्ति की आजादी और लोकतंत्र की हत्या की बातें करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं देन हमारे गांधी जी का ही है। गांधी जी ने हमें स्वतंत्रता और आजादी का पाठ पढ़ाया है। गांधी जी किस लिए आंदोलन पर बैठे थे ये विचार करने का तथ्य है। गांधी जी एक न्याय को लेकर बैठे थे, देश को आजादी दिलाने के लिए बैठे थे। उनका आंदोलन का दिशा क्या था? उनके आंदोलन का दिशा था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, वो भारत से जाओ एक, और हमें अपने देश को आजाद करो और हम अपने देश में आजादी के साथ रहेंगे। ये एक उनकी सकारात्मक सोच थी। और अभी के समय में 2021 में कलयुग में इस चीज का जो हम लोग यूज कर रहे हैं, जो राकेश टिकैत जी ने किया है, तो इसमें गांधी जी का अपमान किया गया है और इनको इस प्रकार की टिप्पणी करने से बचनी चाहिए। ठीक है, और ठीक है, लेकिन राहुल जी जिस तरीके से राकेश टिकैत कह रहे हैं कि सरकार जो है जिद्दी हो गई है, हट कर रही है, ऐसे में अब सरकार कैसे बात करेगी? ये जो बातचीत का दौर खत्म हो चुका था 11वें दौर की वार्ता के बाद, ये अब कैसे आगे बढ़ेगा, इसका क्या रास्ता आगे निकलेगा? जी पूरे भारत में 600 किसान संगठन हैं, मैं बहुत ऐसे किसान नेताओं को जानता भी हूँ जो भीड़ का नेतृत्व करते हैं और भीड़ में लोगों के साथ चलने लगते हैं, तो उनसे भी मेरी वार्तालाप हुई थी, मैंने बातें की थी और मैंने उनसे पूछा भी था कि आप किस प्रकार से इस आंदोलन को देखते हैं, तो उन्होंने मुझे बड़ा ही स्पष्ट बताया था कि भाई हमें डर है इस बात का कि जमीनें चली जाएंगी, तो हमने उनको इस चीज का आश्वस्त किया था कि जमीनें नहीं जाएंगी, हमने उनको कानून के बारे में सारा चीज बताया था। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने संसद से किसान नेताओं को फिर से आमंत्रण दिया है कि आप आइए स्वस्थ वातावरण में बैठिए और हम आपके साथ बात करने के लिए तैयार हैं। और 600 किसान संगठन में जो 40 थे जो आंदोलन में सम्मिलित थे, अब वो भी नहीं रहे। धीरे धीरे किसानों की संख्या गाजीपुर बॉर्डर पे कम होती जा रही है, गाजियाबाद बॉर्डर पे भी कम होती जा रही है, तो आप इस चीज का इसी से आशय लगा सकते हैं कि आंदोलन अब इनका भटक चुका है। ठीक है, ठीक है, ठीक है राहुल जी, हमारे साथ शैलेश गिरी हैं जो कि किसान नेता हैं, उनसे सवाल करते हैं। शैलेश जी स्वागत है आपका। जी साक्षी जी स्वागत है आपका भी। शैलेश जी क्या अब इस आंदोलन में धर्म के नाम पे ही राजनीति शुरू हो जाएगी? शैलेश जी क्या आपको आवाज मिल पा रही है? जी आवाज मिल पा रही है। शैलेश जी अब क्या आप किसान आंदोलन में धर्म के नाम पर राजनीति होगी? नहीं ठीक है, तो मैंने ऐसा क्या बात हो गया है कि धर्म की चर्चा हो रही है? देखिए राकेश टिकैत ने हनुमान जी को आंदोलन जीवी करार दिया है, क्या कहिएगा? प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसते हुए उन्होंने ये कहा है कि आंदोलन जीवी सबसे बड़े हनुमान जी ही थे।
जी सबसे बड़ी बात तो ये है साक्षी जी, माननीय प्रधानमंत्री दिया आंदोलन जीवी शब्द का जो उन्होंने इन्वेंशन किया, ये एक प्रधानमंत्री के लिए शोभा की बात नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है कि आजादी की लड़ाई में भी आंदोलन हुआ था। ये अन्नदाता हैं, ये आंदोलन जीवी नहीं है, पारासाइट नहीं है, इनको नाली का कीड़ा बताना ये बहुत गलत बात है। अब रह गई कि धर्म से जोड़ना, तो धर्म से जोड़ने की बात नहीं है। भारत की आजादी भी अपनी भारत माता को बचाने के लिए, भाजपा तो देखिए जैसी सोच है, भावना की राजनीति को, धर्म की राजनीति को, आज बंगाल में भी जय श्री राम के नारे से वो खुद काम कर रही है। तो ये कहावत है वही कि चलनी हंसने वाला सूप का, चलनी में तो अपने छेदा होता है, चलनी सूप को क्या हंसेगा। ठीक है, लेकिन शैलेश गिरी जी, क्या अब ये कृषि आंदोलन धर्म के नाम पर ही आगे बढ़ेगा? ये कृषि कानून को रद्द करने की मांग से शुरू हुआ था और अब धर्म पर आकर रुक गया है? नहीं नहीं, धर्म पे आके रुका नहीं है। देखिए बहुत बड़े बड़े जब कार्य किए जाते हैं तो आदमी पूजा पाठ और वो क्या कहते हैं यात्रा मुहूर्त देख कर काम करता है, तो बिना धर्म का तो कोई काम होगा ही नहीं। इतना बड़ा चुनाव तो भाजपा जो है तो अगला पिछड़ा हिंदू मुस्लिम, अब बंगाल में नॉन बंगाली बंगाली करके कर रहा है, जय श्री राम के नारे पर कर रहा है, तो ये तो उसके आगे बहुत तुच्छ है। किसान तो देखिए, तो क्या किसान भी चुनाव लड़ने वाले हैं क्या? शैलेश जी, किसान भी चुनाव लड़ने वाले हैं क्या? नहीं, चुनाव लड़ने की बात नहीं आ रही है। सबसे बड़ी बात है कि कहीं भी संकट मोचन हनुमान का नाम लेके जाना चाहिए, तो प्रधानमंत्री जी ने एक ऐसा नाम लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, संकट मोचक हनुमान जी का नाम लीजिए, लेकिन ये कह रहा कि हनुमान जी सबसे बड़े आंदोलन जीवी थे, ये क्या दर्शाता है, क्या मायने निकाले जाए? शैलेश जी, आपको आवाज मिल पा रही है? जी जी मिल पा रही है। शैलेश जी, आप नाम लीजिए भगवान जी का, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये कहना कि सबसे बड़े आंदोलन जीवी हनुमान जी थे, ये क्या दर्शाता है, इससे क्या मायने निकाले जाए? ये कृषि कानून जो था जिसको आंदोलन ये पूरी शुरू हुआ था, अभी कोई और ही रुख पे आता जा रहा है? नहीं नहीं, रुख है 3 कृषि बिल वापसी और MSP को कानूनी अमलीजामा पहनाना, दंड का प्रावधान लगा, वो स्टैंड क्लियर है। अब रह गया कि ये आम किसान की लड़ाई तो है ही है, किसान 90 करोड़ हैं, 2/3 हैं, लेकिन ये जो जागरण है अब गांव गांव तक जा रही, तो ये कोई धार्मिक एंगल नहीं है। धार्मिक एंगल तो बराबर रही है भाजपा का, केंद्र सरकार का, राजनीतिक पार्टियों का, ना हम लोगों को राजनीतिक पार्टी से कोई मतलब है ना, और ना कहीं कोई धर्म से मतलब है। हम अपने धरती माता का पूजा करते हैं और धरती को पार्टियों से मतलब नहीं है, लेकिन हनुमान जी थे तो आंदोलन जी भी देखिए तो किया होगा, किसान नेता ऐसे ही दे रहे हैं जैसे मतलब हो। ठीक है, जवाब लेंगे राहुल जी से, जवाब दीजिए राहुल जी। देखिए, जो हर पार्टी का अपना अपना ये संगठन का दायित्व होता है कि उन्हें जनता के बीच में किस प्रकार से जाना है और क्या क्या वादे करना है। और रही बात जहाँ धर्म की, तो जहाँ आंदोलन को धर्म से जोड़ दिया गया है ये गलत है। और मैं एक चीज और बड़े भाई शैलेश जी को बता देना चाहूंगा कि आपने जब से आंदोलन शुरू किया है तब से आंकड़ा निकाल लीजिए MSP पे खरीदारी का, मेरे पास सारे आंकड़े हैं, मैं आपको पूरे राज्य वाइज बता सकता हूँ कि कहाँ क्या खरीदारी की गई है और किन किसानों को तकलीफें आई हैं। जो भारतीय खाद्य निगम जो है उसने अभी तक, कल के आंकड़े मैं बता रहा हूँ, लगभग 780 लाख मैट्रिक टन तक की खरीदारी कर ली है। ठीक है, और जो MSP की जो बात की है, लिखित गारंटी की जो बात है, उसी के आधार पर की गई है। गेहूं का जो MSP का जो रेट तय किया गया है उसी रेट के आधार पे आज सरकार के जो ये अनुमंडे हैं वो सारे खरीदारी कर रहे हैं, तो आप इसको, इस पे सरकार को आप नहीं घेर सकते हैं। रही बात कानून रद्द करने की, तो कानून में जो 3 कानून है, जो तीनों कानून को रद्द करने की बात करते हैं, उसकी धारा 3A को पढ़ लिया जाए और तीसरे कानून में धारा 1 को, खंड 1 को पढ़ा जाए, उसमें सारे बातों का वर्णन किया गया है जिसमें ये बातें स्पष्ट लिखी गई है कि हमने आपको विकल्प दिया है बेचने का, आप इसका विरोध क्यों कर रहे हैं।
और दूसरी बात, बेचना है आप बेचिए, नहीं बेचना आप मत बेचिए, आप तो स्वतंत्र हैं, हमने तो आपको विकल्प दिया है, हमने आपको रास्ता दिया है, आप लोकल रास्ते से जाइए या बाईपास पकड़ के चले जाइए, ठीक है। यही बातें आप लोग जिद पे जहन में बैठा लिए हैं, लेकिन जो किसान है वो अपना किसानी कर रहे हैं, क्योंकि किसान के पास इतना वक्त नहीं होता है कि वो 90 दिनों से जाकर बॉर्डर पे बैठे। और जो खरीदारी है, मैं आपको बता दूं, पूरी लक्ष्य का 70% तक का खरीदारी सिर्फ और सिर्फ पंजाब से कर लिया गया है, क्योंकि किसान वहां धनी किसान होते हैं, उनकी जोत का आंकड़ा बड़ा होता है, 4 एकड़ 5 एकड़ का होता है, जहां से ट्रैक्टर रैलियां निकाली गई थी। ठीक है, तो आप जवाब लेंगे शैलेश गिरी जी, आपसे जवाब दीजिए। जी, सबसे बड़ी बात है, राहुल भाई जो बता रहे थे एमएसपी की चर्चा, तो राहुल भाई ये जान जाएं कि सिर्फ पंजाब हरियाणा और 8% हमारे भारत में किसान नहीं है। यही तो हम लोगों का मुख्य लड़ाई है कि 100% किसानों को एमएसपी मिले। अब रह गए कि ये आंकड़ा और वो आंकड़ा, ये सब कागजी आंकड़ा है, ये समझ जाइए। कहीं एमएसपी पे बिक्री नहीं हो रही है, इसमें बिचौलिए हावी है। अब रह गया कि कहीं जाकर बेचने स्वतंत्र है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, सीमांत किसान जो कम भूमि का किसान है वो कभी भी तमिलनाडु जाकर नहीं बेचेगा, है ना। यहाँ तो आसपास में मंडी में जाता है, 5 दिन तक रखा रह जाता है, उसका कुत्ते खाते हैं, सड़ जाता है, बिचौलिए खरीद लेते हैं। किसान सोच है कि भाई हम इतना खर्च करके आए हैं यहाँ, जो इसको औने पौने दाम में, तो देखिए एक व्यवस्था दुरुस्त करने की बात है। एमएसपी मुख्य मांग है, अब रह गई कानून की मांग, तो कानून में हमको राहुल भाई ये बताते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने बोला कि हम जब चाहेंगे कॉन्टेक्ट से अलग हो जाएंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये झांसा है, इसको झांसावादी कह सकते हैं। हमको ये बताएं कि आपसी सहमति के बिना वो अलग नहीं हो सकते हैं, उसमें ये भी लिखा हुआ है। और जहां अडानी अंबानी बड़े बड़े कारपोरेट घराने होंगे, वहां अगर एसडीएम से कोर्ट में भी जाता है, उनके वकील भारी पड़ेंगे कि इनके वकील भारी पड़ेंगे। बात कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आपने क्वालिटी क्वांटिटी ग्रेड लगा दिया, अन्न और कृषि उत्पाद फैक्ट्री में पैदा नहीं होते, वही सबसे बड़ा शोषण किसानों का वही किया जाएगा कि 2 से मैक्सिमम 2 से 3 साल तक उनको दिया जाएगा, उसके बाद ये कहा जाएगा कि आपके जो फसल है वो क्वालिटी क्वांटिटी ग्रेड में नहीं। किसान हमारा वही दब पे चल जाएगा, और WTO के अनुसार रिसोर्स जो इन्वेस्टमेंट होगा, रिसोर्स दिया जाएगा, किसी तरीके से दिया जाएगा, ये बहुत सीधा मामला। राहुल जी से आखिरी कमेंट लूंगी, राहुल जी कितना सही है प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसना ये कहकर कि सबसे बड़े आंदोलन जीवी जो है हनुमान जी और महात्मा गांधी है, इसी कड़ी में आप जवाब दीजिए शैलेश गिरी के सवालों का भी। देखिए, जो शैलेश जी ने जो बातें रखी कि किसान मंडी में सामान ले जाकर, वस्तु ले जाकर परेशान होता है, इसी की तो आजादी दी गई है इस कानून के माध्यम से, कि आपको ऑप्शन है तो आप बेचिए, नहीं है तो आप उसको जाकर बेच दीजिए, इसी से बचाने के लिए किया गया है। और जो अंबानी अडानी है, अंबानी अडानी को इतना फुर्सत नहीं है कि वो आकर आपका सम्मान करे, ये विपक्ष की बातें हैं, जो यहाँ के बिजनेसमैन हैं उनको एक तरफ से विलन दिखाया जाता है हिंदी फिल्म की तरह, जबकि उनका सबसे ज्यादा योगदान है हमारे देश की GDP में। अगर इस प्रकार से होगा तो जितने भी प्राइवेट पार्ट है ना, न्यूज चैनल से लेकर सारी चीज, सबको बंद कर देना चाहिए। फिर आप देखिए कि सरकार कितने लोगों को रोजगार सृजन करा पाती है, इनका काफी अच्छा रोल होता है, इनका हमें सम्मान करना चाहिए। और दूसरी जो तीसरी बात जो आपने कही प्रधानमंत्री जी पे तंज कसने की, तो मैं इस पे आपको बता दूं कि हमें आंदोलन का विश्लेषण करना चाहिए कि हनुमान जी ने किस लिए आंदोलन किया था, किस लिए राम जी का साथ दिया था, और सत्य पे सत्य के विजय के लिए दिया था, और महात्मा गांधी जी ने देश को आजाद कराने के लिए अनशन पर बैठे थे, दोनों दो बातें हैं। और राकेश टिकैत जी अपनी खुद के फायदे के लिए वहां बैठे हैं, जो किसानों के, वो बड़े किसानों के बारे में तो सोच रहे हैं लेकिन छोटे किसानों के बारे में नहीं सोच रहे हैं। छोटे किसानों के बारे में सोचने का समय है। अगर इसी कानून से किसी बड़े किसान को नुकसान होता है तो भाजपा की सरकार उस नुकसान को बर्दाश्त करने के लिए तैयार रहेगी और छोटे किसानों के फेवर में हमेशा काम करेगी। जी बिल्कुल, तो समय की कमी के चलते आज की चर्चा को यहीं खत्म करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेश।